सर्व समाज संघर्ष समिति ने SC ST एक्ट में हुए संशोधन को निरस्त करने की मांग को लेकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। सर्व समाज के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर सतना सिविल लाइंस चौराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा कर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। सर्व समाज ने ज्ञापन के माध्यम से SC ST एक्ट में हुए संशोधन को निरस्त करने की मांग की है। ऐसा ना होने पर आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, आत्मदाह आदि की बात कही है। कल सुबह 2 अक्टूबर को सिविल लाइन गांधी मूर्ति पर, गांधी की प्रतिमा है सिविल लाइन में गांधी जी की, वहां हम लोग माल्यार्पण किए हैं सुबह 8 बजे, और 8 बजे वहां से सुबह चल दिए हैं। कल रात में हम लोग रामपुर पहुंचे हैं और रामपुर में रात विश्राम किए हैं। सुबह 6:45 बजे रामपुर से फिर हम लोग वहां से पद यात्रा चालू कर दी। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग सिर्फ एक है, काला कानून वापस हो, या जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, आदेश किया था उसको बहाल रखा जाए। धरना ये आगे भी रहेगा कि ये हमारा धरना जब तक ये सफलता नहीं मिलेगी, जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चालू रखेंगे। अभी तो हम अपने जिले में, दूसरे जिले में, तहसीलों में हर एक जगह इसका प्रदर्शन करेंगे, तेज होगा। इसके बाद प्रदेश स्तर पे होगा, हमारा प्रदेश स्तर पे होगा। प्रदेश स्तर के बाद मैं दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी तक जाने के रूप में हूँ, प्लान में है मेरी पदयात्रा। दिल्ली जाएगी सतना से और दिल्ली तक पदयात्रा होगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता।